हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, अपने परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो ध्रुव आज आया है राधिका को साथ में लेके, और राधिका मांग रही है अपने मंथली खर्चा। किससे? समर से, अपने हस्बैंड से, कि मेरा मंथली खर्चा दो, मेरा मंथली खर्चा है 50,000। जब ध्रुव से गुनगुन मांग सकती है तो मैं तुमसे क्यों नहीं मांग सकती हूँ। और यहाँ हमारे भिखारी भैया समर जी, वो तो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें खर्चा क्यों दूंगा, तुम्हारे पापा तो हैं खर्चा देने के लिए। तो समर भैया के तो ये बड़े अलग अलग के तेवर में देख रही हूँ। जब अपनी बारी आई तो ससुर जी, और यहाँ पे जब गुनगुन की बारी आती है तो गुनगुन के पति जी। तो क्या मामला है ये, मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम इतने दोगले क्यों हो। तुमको अगर पैसा राधिका मांग रही है तो तुम उसके हस्बैंड हो, तुम उसको पैसे दोगे, तो उसके पापा क्यों उसका खर्चा चलाएंगे। वो तो अभी भी तुम्हारी वाइफ है, तो तुम्हीं को तो खर्चा देना पड़ेगा, चाहे वो जहाँ भी रहे, तुम्हारे पास रहे या अपने पापा के पास रहे। तुम तो यहाँ पे बड़े ज़मींदार के बेटे बनते हो, तुम्हारी ज़मींदार मम्मी कहाँ है, काफ़ी दिन से तो अब दिख नहीं रही है। अब तो लगता है कि गुनगुन के पापा के संग भाग भाग तो नहीं गई, कि अभी गाँव में तुम्हारे पापा को संभाल रही है। मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम्हारा पूरा फैमिली इतना लिच्चर फैमिली है कि मुझे कुछ भी तुम्हारे बारे में बोलने में मुझे अजीब सा लगने लगा है। और गुनगुन मैडम, आपको तो कैसे मैं भूल जाऊँ। आप जो ध्रुव को बोल रही हैं कि तुम अगर मुझसे प्यार करते, अगर तुम ये शादी निभाते तो मुझे यहाँ छोड़ के नहीं जाते, मेरे बच्चे को अपनाते, अपने बच्चे को अपनाते, तो ये बच्चा तो तुम्हारा समर का है, ध्रुव काहे को अपनाएगा। ध्रुव के अनाथालय खोल के रखा है क्या, कि आओ तुम बच्चे किसी से भी ले लो और उसके बाद मैं उसको अपने पास अपना पापा का नाम देकर मैं अपनाऊँगा उसको। वो तो ठीक ही बात बोल रहा है, अगर वो किसी को प्रेग्नेंट करता तो वो बच्चे को तुम अपनाती। तुम तो बोल रही हो हाँ मैं अपना लेती। तुम इतनी बड़ी दिल वाली हो, तुम किसी के भी से भी दुर्ग बेबी पैदा करता तुम उसको तुम अपना लेती, इतनी दिल वाली तुम हो। अरे बाप रे, जो इतनी दिल वाली हो तो तुम बार बार राधिका के पीछे क्यों पड़ी हुई थी कि राधिका समर को छोड़ दे। तुम तो राधिका जब से समर से शादी की थी तब से तुम उन दोनों के बीच में कांटा बन रही थी, और उसके बाद जब राधिका से तुम्हारा सब काटा सब ठीक भी हो गया, तो तुम्हारा ध्रुव से शादी भी हो गया, उसके बाद भी तुमको राधिका चुपती थी। कैसे? जब तुम आई थी ध्रुव के घर में रहने के लिए, उसके बाद भी तुम कहीं ना कहीं से तुम सोचती थी कि राधिका समर को छोड़ दे। और अभी जब राधिका अलग रहने लगी तब तुम्हारे मुंह से फिर बाद में फूटा कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, राधिका को अब मत अपनाना, राधिका को छोड़ दिए हो तो राधिका को अब डिवोर्स दे ही दो। तो तुम अपने बारी में तुम ये चीज़ कर सकती हो, और यहाँ पे तुम बोली हो तुम दूसरे किसी का बच्चा तुम अपना लेती, ध्रुव किसी और से कर तुम अपना लेती। ये सब बेकार की बात है ना, हम लोग को मत सुनाओ। हम लोग को मालूम है गुनगुन की तुम कैसी लड़की हो, और समर का तो मुखौटा तो उतर ही गया है, वो कैसा है वो तो हम लोग को सबको दिख रहा है। ऐसे कोई भी तुमको और गुनगुन तुमको, समर को और तुमको, किसी को, दोनों में से किसी को कोई पसंद अब नहीं करता है, क्योंकि तुम लोग ऐसे ही लिच्चर इंसान हो गए हो। यहाँ पे अपनी बारी आती है तो समर भैया को ससुर जी मतलब राधिका के पापा याद आते हैं कि वो खर्चा दें, और यहाँ पे राधिका और गुनगुन के बारी में तो ध्रुव खर्चा दे। वाह भाई वाह, ये बहुत अच्छा नियम है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा नियम मैं देख रही हूँ। अब जाओ ध्रुव और जाओ राधिका, कोर्ट के दरवाजे खटखटाओ, इनके ऊपर से तुम केस किए हुए हो, दोनों जन मिलके इनको जेल की हवा खिलाओ। जब जेल की हवा खाएंगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा कि कितने दाल में कितना चावल है। ये ध्रुव को, ध्रुव और राधिका दोनों जाके केस करो। अभी तो नोटिस तुम दिए ही हो, अब केस करो कि ये दोनों तुम लोग के संग फ्रॉड कर रहे हैं। गुनगुन ने तो फ्रॉड किया ही है, समर भी फ्रॉड कर रहा है, ये लोग तुम लोग से और पैसे मांग रहे हैं, ये सब बोल के तुम जितना ऊपर केस बना सकते हो और ऊपर केस, अच्छा सा वकील करो। अच्छा सा वकील नहीं करोगे तो ये लोग कोई भी वकील करके अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर लेंगे। बस फ्रेंड्स, इतना ही बोलना था। जिसको विराज का ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, और जो चैनल में है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।